जनाद मेरा एक दोस्त है सदीक पापड़, जवेद जलेबी का भतीजा। अल्लाह तेरी खैर करे बाबा, क्या हलवाई तबीयत है हमारे अंकल की। आगे उसका शजरा ढूंढने शुरू हो गए, पहले देखो तो सही, सुनाने क्या लगा, दुखी छतोरी है सदीक पापड़ की। हाय हाय, बेचारा अच्छा भला दुकान करता था, जनरल स्टोर बड़ा उसका चलता था, घर उसका खर्चा खुर्चा बड़ा अच्छा चल रहा था। अच्छा। बीवी उसकी बड़ी ताबेदार थी, उसकी बच्चों को खुश उसने रखा हुआ था। वो जनाब उसका जो मार्केट का मालिक था ना, उसने उससे दुकान खाली करा। वो कहता जी मैंने अपने भतीजे को देनी है, हमारे घर का मसला है, दुकान खाली करो। बेचारा शरीफ आदमी खाली करके कहीं और जाके दुकान उसने डाल ली, वह उसकी दुकान नहीं चली बिल्कुल, बेचारे का कारोबार खत्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हाथ से लगा लगा के सौदा भी सारा खत्म कर बैठा। बड़ी उसने मेहनत की और दो तीन काम उसने हाथ मारे, नहीं चले। घर बह गया, परेशान हो गया, बीमार भी हो गया, ज़हनी तौर पे भी, यार बेचारा सेहत के हवाले से भी बीमारी लग गई यार उसको टेंशन से। उसकी बीवी ने हिम्मत की, उसने जनाब कपड़े कुपड़े सीने शुरू कर दिए, महल में आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीवी ने घर का खर्चा संभाल लिया, सियाणी औरत। आहिस्ता आहिस्ता बुटीक की तरफ चली गई, मतलब अच्छा उसने बिजनेस अपना संभाल लिया। लो जी, वही सदीक पापड़ जिसके घर में बहुत इज्जत थी, अब उसकी बेगम ने उसको लितर लितरी करना शुरू कर, आते जाते उसकी बिस्ती कर रही है, उसको बदतमीजी के साथ बुला रही है, उसको चाड़े पिला रही है। वो बेचारा सदीक बिल्कुल इतना सख्त बीमार हो गया, फट पड़ा कल मेरे सामने, बड़ा रोया। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं सवेरे आऊंगा तुम्हारी तरफ आके, मैं समझाऊंगा परजाई को। यार मैं उसके घर सुबह गया हूं, देखो तुम, मैं हैरान हो गया हूं कि जो बीवी है वो जब कमाना शुरू करती है तो वो बिल्कुल एक मर्दाना सी उसमें ताकत आ जाती है, ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल अफसर बन जाती है, घर की मालकन बन जाती है, पहले भी होती है, मगर खामत को वो खामत समझती है अगर वो काम ना कर रही हो। जिन औरतों के बिचारियों के खामत कोई काम नहीं करते और खुद वो घर का खर्चा चलाती है, यार उन बंदों की बड़ी बेइज्जती होती है। बहुत बड़ा सामाजिक मसला है ये, जो वर्किंग वेमेन है हमारी, उनके जो शोहरों के नफ्सियाती मसाइल हैं वो बहुत बड़ा मसला है। मतलब वो ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि उसको गिला ये है कि इसने अपने आप को शोहर समझना शुरू कर दिए, यही बात जो है वो मर्द के लिए सबसे ज्यादा पिंचिंग है, सबसे ज्यादा पेनफुल यही बात है। मेरा ख्याल है कि इसका जो इलाज है वो दो तरफा है। पहली बात तो ये है कि अगर मर्द पहले कमाता था और अब वो नहीं कमाता और एक्सपेक्ट यही करता है कि मेरी पहले वाली रिस्पेक्ट होगी, मैं कवाम हूं, तो उसको ये हकीकत का, इस हकीकत का सामना बहुत यानी खुले दिल के साथ करना चाहिए कि वो कवाम उसी वक्त था जब तक वो कमाता था, अब वो कमा नहीं रहा, उसको जो ये एक नई हकीकत है इसका भी सामना करना चाहिए। दूसरी तरफ बीवी का भी फर्ज है कि अगर उसका शौहर किसी वजह से नहीं कमा रहा तो वो शौहर नहीं बन गई, यानी शौहर की जो शौहरियत है वो सिर्फ कमाने तक महदूद नहीं है हमारी, यानी सोसाइटी में, घर में जो अगर शौहर को यानी एक दर्जा ऊपर रखा गया है तो उसकी और बहुत सी वजूहत है, वो सिर्फ कमाने की हद तक नहीं है। हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि औरत कमाना शुरू कर दे तो उसको मुझे तो नहीं ना निकल आती, वो खामत नहीं हो जाती, वो जाहिर रहती तो बीवी है ना, उसने जो खामत का दर्जा है उसको भूल गई है अगर, तो वो तो फिर स्यापा ही है, लड़ाई झगड़ाई है। अच्छा, क्योंकि खामन जो है वो तो खामन रहता ही है, वो कहता था नहीं मैं शोहर हूँ इसका। नहीं, ये मर्द को भी तो अपनी मेंटालिटी तब्दील करने की जरूरत है। क्या मेंटालिटी तब्दील करे, वो कपड़े दुपट्टा रंगवाने जाए करे। नहीं यार, फर्क पड़ता है जाहिर, अब वो कमा नहीं रहा और वो सारा दिन घर के बाहर रहकर मेहनत करके कमा रही है। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर रहे हैं उन घरों की जहाँ पे मर्द नहीं कमा रहा और औरत कमा रही है, उन घरों में भी यही इसी तरह के नफ्सियाती मसाइल हैं जहां पर दोनों कमा रहे हैं, मियां भी कमा रहा है, बीवी भी कमा रही है, और मर्द को ये ताने सुनना पड़ते हैं औरत की तरफ से कि मैं कोई तुम्हारा नहीं दिया हुआ खाती, मैं खुद कमाती हूँ। जहां पे दोनों कमा रहे हैं ना, वहां पे तो वो मसाल बेहतरीन है कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कमा रहा है और दूसरा नहीं कमा रहा, वहां भी गाड़ी के दो पहिए ही होते हैं मगर एक टायर में वहां घट होती है। अच्छा, से ये जो फिनोमेना है ना, ये किसी एक क्लास तक महदूद नहीं है, मतलब जो मुलाजमीन है घरेलू उनसे ले लें या एजुकेटेड फैमिली देख लें, सब में एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा कि अगर मियां बीवी दोनों कमा रहे हैं और दोनों एक ही शोबे से ताल्लुक रखते हैं और दोनों रुतबे में भी तकरीबन बराबर हैं, यानी मियां भी डॉक्टर है बीवी भी डॉक्टर है, वहां पे ये मसाइल लड़ाई झगड़े वाले रोब शोब वाले जरा कम है। अगर किसी जगह पे ऐसे है ना कि बीवी डिप्टी डायरेक्टर और मियां बेचारा हेड क्लर्क है, वहां पे उसकी हेड पे काफी इंजरी होती है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि बुनियादी मसला कम्युनिकेशन गैप का है, एक दूसरे की बात समझने और समझाने का प्रॉब्लम है। और ये जो तुम मिसाल दे रहे हो कि लेडी डॉक्टर और डॉक्टर के दरमियान ऐसे मसाइल कम होते हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के मसाइल बखूबी समझते हैं, माहौल को समझते हैं, औकातकार उनके एडजस्ट कर जाते हैं और एक दूसरे के मसले समझते हैं, इसलिए लड़ाइयां भी कम होती हैं। नहीं ये भी बात चलो ठीक है, मगर है तो इंसान ही ना पाई जी, जो मर्जी हो जेन में ये तो आता ही है कि मेरा रुतबा येरा बड़ा है, अल्लाह माफ करे, ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मगर इंसान के जेन में ये आता है। मगर असल बात जो है ना, ये मेख इस गुफ्तगु की जिसे आप कह सकते हैं, वो ये है कि ये जरूर सोचना चाहिए कि घर के अंदर जो मियां है वो मियां है, जो बीवी है वो बीवी है, उसको मियां बन के ही रहना चाहिए, उसको बीवी बन के ही रहना चाहिए, और बीवी को उसे मियां ही समझना चाहिए, बेशक उसका रुतबा छोटा हो, और जो मियां है उसको भी उसे बीवी समझना चाहिए, बेशक वो अफसर हो या उसके मतहत हो, उसको बीवी समझना चाहिए। नहीं ये तो तुम्हारी बात ठीक है कि बीवी को बहरहाल शौहर की इज्जत करनी चाहिए, और इस अंदाज में नील नहीं उसके जिस्म पर डाल देने चाहिए कि उसको छुपाने के लिए नीली शर्ट पहननी पड़े। ये बिल्कुल ठीक तुम कह चुके हो, बिल्कुल ठीक है। और मैं अपनी उन बहनों को जो घरेलू खवातीन, ब्रेक ले ले, नहीं नहीं एक जरा यार कोई अकल वाली बात भी बताने दिया करो, मेरे मजाक ना करते रहा करो, टाइम हो गया। हमारी वो बहनें जो घरेलू खवातीन हैं, ब्रेक ले ले, उनको टेलीविजन के ऊपर से देख के अंदाजा लगाना चाहिए कि उनका खावंद एंकर है, उसकी बड़ी इज्जत है यार, लिथरी उतार लेना ये बड़ी बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए, थपड़ों थपड़ों से भी इजी है। यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।